लेते हैं हमारे सुफेन। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 10। हु विल बी नाइन टू मीन्स होता है फ्यूचर किंग, भावी राजा, मतलब होने वाला, भविष्य में बनने वाला राजा। ओके, तो यहाँ पे नाइटू जो है ना, मणिपुर जानते हो ना, मणिपुर में राजा को नाइटू बोलते हैं और रानी को लेमा बोलते हैं। ओके, देखो हु विल बी नाइटू यानी कि भविष्य का राजा कौन बनेगा, होने वाला राजा, भावी राजा कौन बनेगा। ए किंग इज कॉल्ड नाइटू एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लेमा इन मणिपुरी, मणिपुरी लैंग्वेज में, मणिपुर में राजा को नाइटू एंड रानी को लेमा बोलते हैं मणिपुरी लैंग्वेज में, मणिपुर में। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर। ये कहानी मणिपुर की है जिसमें होने वाले राजा की अच्छी क्वालिटी, रूलर भी होता है राजा किंग शासक। ओके, तो उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। रीड एंड एंजॉय। देखो, लॉन्ग एगो इन द एंड ऑफ कंगलिपा की मणिपुर देयर लिव्ड अ नाइटू एंड अ लेमा, दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। बहुत समय पहले इन द लैंड ऑफ कंगलिपा की मणिपुर में जो कंगलिपा जगह है वहां पे देयर लिव्ड अ नाइटू एंड लेमा, वहां पर राजा रानी रहते थे। देयर वर लव्ड डियरली बाय द पीपल और लोग उनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, मतलब वो जनता के प्रिय थे, उनकी जो जनता थी, उनकी सब्जेक्ट थी, वो बहुत उनकी बिलव थी, मतलब उन्हें बहुत प्यार करती थी। द नाइटू एंड लेमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप इट थिंकिंग अबाउट देयर नियाम देयर पीपल। नाइटू और जो लेमा थे यानी राजा और रानी, ऑन देयर पार्ट नेवर, वो कभी भी अपनी नियाम मीन्स अपनी जनता के बारे में थिंकिंग करते रहते थे, हमेशा हर समय अपनी जनता के भलाई के बारे में सोचते रहते थे। तो स्टॉप इट थिंकिंग, नेवर स्टॉप इट, कभी भी उनके भलाई के बारे में सोचना बंद नहीं करते थे। अब मियाम शुड बी हैप्पी दिस सेड, हमारी मियाम खुश होनी चाहिए, मीन्स हमारी जनता जो है वो खुश होनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए, दिस सेड, वो कहते थे। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हू लव्ड देयर नाइटू एंड लेमा, यानी लोग ही नहीं थे जो अपने राजा रानी को प्यार करते थे। द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव देम, यहाँ तक कि वहां के बर्ड्स और एनिमल्स भी उनको बहुत प्यार करते थे। द नाइटू एंड लेमा ऑलवेज सेड, नाइटू एंड लेमा हमेशा कहते थे, एवरीबॉडी इन कंगलिपा शुड लिव इन पीस, कंगलिपा का हर व्यक्ति शांति में रहना चाहिए, सबको पीस होना चाहिए, सब एकदम सबको आराम में रहना चाहिए। नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड ट्रीज, केवल पीपल ही नहीं, लोग ही नहीं, बल्कि बर्ड्स और एनिमल्स, यहाँ तक कि ट्रीज, सबका ध्यान रखना चाहिए। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड थ्री सन्स, उनके प्यारे राजा और रानी के तीन बेटे थे, सनाजोगा, सनायामा एंड सनाटोम्बा, ये उनके तीनों बेटों के नाम थे। 12 इयर्स लेटर डॉटर वाज बॉर्न, यानी कि 12 इयर्स के बाद उनकी एक बेटी का जन्म हुआ, सी वॉज नेम्ड सनाटोम्बी, उसका नाम था सनाटोम्बी। सी वॉज अ लवली चाइल्ड सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, सी वॉज लव्ड बाय वन एंड ऑल, यानी कि सी वॉज लवली चाइल्ड, वो बहुत प्यारी बच्ची थी, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और अंदर से अपने दिल से अपने हृदय से बहुत ज्यादा सुंदर थी। सी वॉज लव्ड बाय, और वो सबके द्वारा बहुत प्यारी थी, सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। The years went by, यानी वर्ष गुजरते रहे, समय निकलता गया, and the children grew up well, अब सभी बच्चे जो थे, चार बच्चे, वो चारों बड़े हो गए थे। and then one day, और तभी एक दिन, the knight called all the minister and said, तभी वहां के राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, it is now टंगी नाइटू द फ्यूचर किंग, यानी कि अब समय आ गया है ये डिसाइड करने का कि हमारा
टंगी नायटू कौन होगा, हु विल बी टंगी नायटू। टंगी नायटू मीन्स द फ्यूचर किंग, यानी भविष्य का राजा, भावी राजा मतलब भविष्य में बनने वाला राजा, क्योंकि राजा तो बूढ़े हो गए थे तो उनके बाद उनका शासन कौन संभालेगा, तो उन्होंने राजा तो एक ही बनेगा ना, तो तीन चार बच्चों में किसको बनाना है वो डिसाइड करना था। मिनिस्टर को बहुत शॉक हुआ, मतलब वो बहुत दुखी हुए। बट ओ नाइटो व्हाट इज देयर टू डिसाइड, सन जो होगा योर एल्डेस्ट सन विल बी अवर फ्यूचर किंग। तो उनके मिनिस्टर्स जो थे वो बोलते हैं इसमें डिसाइड करने वाली क्या बात है, राजा का जो बड़ा बेटा होता है वही किंग बनता है ना, तो सन जो होगा योर एल्डेस्ट सन, सन जो होगा आपका बड़ा बेटा है विल बी अवर फ्यूचर किंग, वही हमारा भविष्य का राजा होगा। वेल द नाइटो रिप्लाइड, अच्छा राजा ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, कहते हैं हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड एज, द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग। ऐसा पहले जमाने में होता था, पुराने दिनों में होता था कि राजा का बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। बट टाइम्स हैव चेंज्ड, लेकिन अब समय बदल चुका है। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज द मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग, सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग, इसलिए हमें राजा चुनना चाहिए हु इज द मोस्ट, जो बहुत ज्यादा योग्य हो, वर्दी मीन्स एवर हो, योग्य हो बिकमिंग अ किंग, हमारा होने वाला राजा बहुत ज्यादा वर्दी यानी एवर होना चाहिए। वी विल हैव अ कॉन्टेस्ट टू सेलेक्ट अ फ्यूचर किंग, हम भविष्य के राजा को सेलेक्ट करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखेंगे, मतलब एक प्रतियोगिता रखेंगे। द लेमा सेड, रानी ने बोला, एंड सो और इसलिए इन द लैंड ऑफ कंगलपक देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, इसलिए आप कंगलपक की भूमि में एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, ए हॉर्स रेस, एक घोड़े की रेस, ओके घोड़दौड़ रखी जाएगी। हूएवर रीच द कंगल, हूएवर रीच द कोंगनम, जो भी कोंगनम जाएगा यानी जो घोड़दौड़ में कोंगनम पहुंचेगा, द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के पास, फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड टुंगी नायटू, उसको ही टुंगी नायटू यानी भविष्य का होने वाला राजा डिक्लेयर किया जाएगा, मीन्स घोषित किया जाएगा। बट द इन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, लेकिन तभी एक बहुत अजीब घटना घटी, बहुत अजीब चीज हुई, साना जोंबा, साना हिम्मा एंड साना टोंबा ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर, लेकिन क्या हुआ, साना जोंबा और साना हिम्मा और साना टोंबा इन तीनों ने एक साथ ही अपनी दौड़ को खत्म किया। अब राजा तो एक बनाना था, इन तीनों ने ही रेस को एक साथ खत्म किया, तो they were expert riders and all three reached the finish line at the same time, वे तीनों ही बहुत expert rider थे, means बहुत निपुण धावक थे, and all three reached, और तीनों ही अपनी race finish करके same time पर same जगह पहुंच गए। There was great excitement, ये बहुत ज्यादा excitement, उत्तेजना वाली चीज थी। Look at them, जरा उन्हें देखो, the people shouted, लोग चिल्लाए, सागोल टुआ नुआ सच फाइन हॉर्समैन, इसमें सोता है सागोल सागोल थोवा रूपा, सागोल थोवा रूपा मणिपुरी में बोलते हैं सच फाइन हॉर्समैन, ये कितने अच्छे धावक हैं, ये इतने अच्छे से घुड़सवारी कर रहे हैं। बट वन क्वेश्चन में, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी था, हु वुड बी द टंगी नायटू, अब होने वाला राजा कौन होगा। द नायटू एंड हिमा टर्न टू देयर सन, अब राजा और रानी अपने बेटों की तरफ मुड़े। द नाइटू सेड, राजा ने बोला, सनजोबा सनेमा एंड सनटोंबा यू हैव प्रूव, तुम तीनों ने ही ये साबित कर दिया, प्रूव कर दिया एट यू आर फाइन हॉर्समैन, तुम एक अच्छे धावक हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, लेकिन अब कुछ ऐसा डिफरेंट करो सो डेट वी कैन डिसाइड हु विल बी टंगी नायटू, जिससे हम ये डिसाइड कर सके कि होने वाला भविष्य का राजा कौन बनेगा। सडनली साना जोंबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, सडनली अचानक साना जोंबा ने माउंटेड हिज हॉर्स अपने हॉर्स पे चढ़ा एंड हेल्ड हिज स्पीयर स्ट्रेट फ्रंट ऑफ हिम, और उसको टाइट पकड़ के उनके सामने खड़ा हो गया। स्पीयर में मतलब उसकी डोरी जो घोड़े के ऊपर लगी होती है, ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा, देयर वाज अ हॉर्स अमंग पीपल, वहां पे बहुत ज्यादा लोग खड़े हुए थे। व्हाट इज साना जोंबा, साना जोंबा ये क्या है, द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, तुम बड़े हो क्या करने जा रहे हो, दे थॉट टू देमसेल्फ, उन्होंने उनके बारे में सोचा, साना जोंबा
यूज्ड कानोनांग स्टैंडिंग मैजिकली इन द डिस्टेंस। अभी साना जोमा ने क्या किया, कानोनांग में एक दूरी पर देखा, क्या देखा, ही पाइस द ट्री एंड जंप्ड इट्स हॉर्स राइट थ्रू इट। उसने पाइस कर दिया, मतलब उसको उस पेड़ को छेद दिया। एंड जंप्ड हिज हॉर्स राइट, और अपने घोड़े से उसके ऊपर छलांग लगा दी। ब्रेवो ब्रेवो मींस अच्छा, बस सबस सबस, वेल डन वेल डन कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तभी ऊपर सारे लोग चिल्लाए थारो थारो मींस ब्रेवो ब्रेवो, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। एंड देन दे फेल साइलेंट, और तभी वो सभी शांत हो गए। ओके सो इट इज इनफ फॉर टुडे, एंड रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टिल देन ओके बाय बाय।